हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ मेरा आज जन्मदिन भी है, तो पहले तो आप दर्शन कर लो हमारे पापा के, प्रेम से कमेंट में गणपति पापा जरूर बोलिएगा। सब परिवार के साथ में यहाँ बैठी हुई हूँ आज अपने गणपति पापा के साथ, अपना जन्मदिन मनाने अपनी दीदी के यहाँ आई हूँ। तो बनी रही है एंड तक मेरे इस ब्लॉग में। तो ये मिल गया है प्रसाद। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हाल बेहाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने रुक नहीं रहे हैं। और मैं गई थी अपने ननद के घर पे, उन्होंने विराजमान किए थे गणपति पापा, तो वहाँ दर्शन करके आई, पूजन करके आई, बस प्रसाद नहीं ले आ पाई मैं उनके लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं नहा धो के वहाँ पहुँची थी। अब मैं उनके लिए बना रही हूँ प्रसाद घर में, बेसन के लड्डू जो कि मैं हर साल बनाती हूँ अपने जन्मदिन पर उनके लिए, भगवान के लिए। वो तो मैंने कढ़ाई तो रख दी है और बेसन भी रखा है, तैयार है। तो आप लोग बने रहिए, कैसे बनाती हूँ ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भुज गया है बेसन, और ये रखे हैं मेरे काजू और बादाम, और ये बूरा, और डालूंगी इलायची पाउडर जो कि मैंने पीस लिया है, और इनको भी मैं थोड़ा बारीक पीस लूँगी, तब इसमें डालूंगी इनको। तो जब तक ठंडा हो रहा है बेसन, मैं बना लेती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो मैंने बनाए हैं पनीर के पराठे, क्योंकि पनीर रखा हुआ था तो मैंने जल्दी जल्दी पनीर के पराठे बना लिए। और ये देखो मेरा पनीर का पराठा कैसा लग रहा है। अब मैं अपने बेटे को दूंगी, इसको पहले वो सॉस से खाता है मक्खन लगा के, तो पहले मैं उसको ये दे देती हूँ, उसके बाद लड्डू की तैयारियाँ करूँगी। तो गाइस बेसन हो गया ठंडा, खाना मैंने खा लिया है, बना भी दिया है, बच्चों को खिला दिया, खुद भी खा लिया, वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई, थकन बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो तभी रह गया है मेरा शाम के लिए भोग पक्का का। तो मैंने आवाज़ आ रही है आपको, पता नहीं, तो ये मैंने मेवा रख ली थी भूज के और पीस के, इसमें इलायची पाउडर भी डला हुआ है, तो मैं इसमें तप ही इसको मेवा सारी। मैं बूढ़ा इसमें छान लूँ, इसमें जो गांठें हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और इसमें जो थोड़ी बहुत बंदी हुई छिल जाएगी सर, बनाए मेरे लड्डू।
तो मैं अभी अपने घर के मंदिर में रखूँ पहले ये। ये देखो ये मेरे यहाँ पीतल के हैं, गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता। और ये दिवाली पे जो आते हैं भोपाले गणपति बप्पा, लक्ष्मी पूरा सरस्वती मैया, हनुमान बाबा, भोले बाबा सभी विराजमान हैं मेरे मंदिर में। तो और मेरे ठाकुर जी लड्डू गोपाल, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम जा रहे हैं प्रसाद लेके आरती में, तो चलो आओ शाम को जाओ आरती में गणपति बप्पा की आरती। आप लोगों ने देखा होगा सब भजन भी हुए हमारे, छोटी सी ढोलक हमें मिली उसमें हमें भजन करे और बहुत आनंद आए। आज का दिन बहुत ही आनंदमय रहा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो प्रेम से बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और सभी पर गणपति बाप्पा की कृपा बनी रहे, बस यही हम कामना करते हैं।